अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिशो अली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली व बिज़्नी इल्मा व बिज़्नी इल्मा व बिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, विंटर 2022 का एक और सवाल हम करने जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन 3 पे, जो प्योर फॉरेक्स से रिलेटेड है। 18 मार्क का तकरीबन, इनफैक्ट 22 मार्क का सवाल आया है, ठीक है ना। 14 और 18 मार्क्स फॉरेक्स के, 4 मार्क्स डिविडेंड के, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, रिकमेंड पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। ये सवाल आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आईकेप की वेबसाइट से, ठीक है ना, आसानी से मिल जाएगा। रिक्वायर्ड एक्सप्लेन विद सपोर्टिव कैलकुलेशन हाउ द कंपनी कैन हैज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट रिस्क इन 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का हैज पीरियड है, इसमें एक्सचेंज रेट के थ्रू कैसे एक्सचेंज रेट के रिस्क को कैसे हैज करेंगे बताना है 14 मंथ्स का। एंड एक्सप्लेन हाउ द कंपनी कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट राइज यूजिंग OTC इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन के थ्रू हम कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं ये भी आपने बताना है, ठीक है जी। तो ये हम सवाल करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। क्या कह रहे हैं, मुल्तान टेक्सटाइल लिमिटेड, सही है जी। मुल्तान टेक्सटाइल लिमिटेड MTL मैन्युफैक्चरर्स रेडीमेड गारमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट्स। द मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स आर टू यूरोप विद कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसिफाइड इन यूरोज। अच्छा देखें, थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी करेंसी जो है ना आ नहीं रही है, सही ना। फिर अक्सर बातें जो है वो पाकिस्तानी करेंसी के बगैर हो रही हैं, हालांकि कंपनी पाकिस्तानी है, ठीक है। मुल्तान टेक्सटाइल लिमिटेड MTL मैन्युफैक्चरर्स रेडीमेड गारमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट्स। द मेजोरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर टू यूरोप विद कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड इन यूरोज, ठीक है जी। अच्छा, आज मैं ये सवाल ना वन नोट पे कर रहा हूँ, वरना आपने देखा है मैंने काफ़ी सारे सवाल जो है वो इसके इस पेपर के मतलब कुछ सवाल मैंने उस पर भी किए हुए, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पे। आगे भी कुछ सॉफ्टवेयर में नजर आएंगे आपको सवाल, मगर मैंने कहा ये सवाल चले हम उस पर वन नोट पे कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। खैर, तो क्या कह रहे हैं जी, हमारा ज़्यादातर जो मेन काम होता है वो यूरोज में होता है, ठीक है जी, स्पेसिफाइड इन यूरोज। MTL is listed in Pakistan Stock Exchange. Historically, the company has not hedged against in exchange rate movement. However, the recent volatility in currency market and some exchange losses has led the board of MTML to revise its approach to risk management. अब ये चाह रहे हैं कि जी हालात इस तरह से चेंज हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, अब ये होनी चाहिए, ठीक है ना, इसको भी ज़रा हेजिंग को भी होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिसंबर 22 की बात हो रही है, विंटर 2022 का सवाल हो रहा है जी, ठीक है। अच्छा, हाउएवर ओके, द बोर्ड इज ऑर्डर्ड सम स्पेशलाइज्ड मशीनरी टू यू फॉर यूज इन कराची फैक्ट्री। बोर्ड ने एक मशीनरी मंगाई है। अच्छा, एक तरफ तो हमारी एक्सपोर्ट होती है जो कि यूरोज में हो रही है, ठीक है, दूसरी तरफ हमने इम्पोर्ट करनी है मशीनरी, सही है। द न्यू मशीनरी वॉज डिफिकल्ट टू सोर्स एंड आफ्टर सम डिलिबरेशन द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अवॉर्डेड टू सप्लायर बेस्ड इन US। स्पेशलाइज्ड मशीनरी विल कॉस्ट $2.5 मिलियन एंड विल बी डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ मे। A deposit of 0.5 million has already been paid. However, the balance will be due at the beginning of the June after the machinery has been installed. अच्छा, मुझे बताएं हेजिंग कितनी करनी है आप? मशीनरी $2.5 million की, इसमें कोई दो रह नहीं है, मगर आप मुझे बताएं किसमें से कुछ पे भी तो हो गया, ऑलरेडी पेड कितना है, तो टू बी पेड कितना है, टू बी पेड मीन जो रिमेनिंग बैलेंस है $2 मिलियन ना, ठीक है ना, $2 मिलियन टू बी पेड इज $2 मिलियन, तो ये $2 मिलियन को हैज करना होगा, सही है। और ये क्या कह रहे थी, ये कब इंस्टॉल होगी, पे कब होगा, $2 मिलियन एट द बिगनिंग ऑफ जनवरी। आपको याद है एक टाइमलाइन बनाई जाती है, ट्रांजेक्शन डेट होती है, एक हैज डेट होती है, ट्रांजेक्शन डेट होती है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। MTL has prepared its own cash flow forecast for the next 6 months and the board was directly would like advice regarding several matters. Firstly, the board would like to hedge against exchange rate movement risk on the payment for the new machinery using euro receipts from exports. अच्छा, इस लाइन को पढ़ के मुझे बता दें आपको क्या लग रहा है, हमें यूरो को हैज करना है या हमें डॉलर को हैज करना है, क्योंकि ऊपर डॉलर की बात हो रही है, नीचे सॉरी ऊपर यूरो की बात हो रही है, नीचे डॉलर की बात हो रही है, हमें हैज किसको करना है, हमें $2 मिलियन को हैज करना है या फिर यूरो जो आ रहे हैं हमारे पास वो हैज करना है। यूरो हर महीने 2 मिलियन रिसीव्स आती हैं हर महीने। यू शुड एज्यूम दैट हैज विल कमेंस ऑन द एंड ऑफ दिसंबर, एट द एंड ऑफ दिसंबर। प्लीज़ यार देखिए, पार्टिसिपेट करेंगे साहिबा ने मन, नहीं मुझे ये बताएं करेंसी कौन सी होगी, मेरा सवाल करेंसी से रिलेटेड है, कोई एक करेंसी बता रहे हैं। जी ठीक है, मेजॉरिटी सही कह रही है, नहीं हमारा नहीं, जुबैर ने सही कहा,
नहीं मुस्तफा साहब ऐसा सही नहीं है, क्रॉस करेंसी नहीं, कोई एक है, या तो डॉलर है या यूरो है, कोई एक करेंसी बताएं प्लीज। पार्टिसिपेट करें यार, बाकी लोग भी देखें, कोई मसला नहीं, गलत जवाब आ जाए कोई बात नहीं, गलत आएगा तो कल सही भी आ जाएगा ना, नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है हमारा खान सही कह रहे हैं आप, असद सही कह रहे हैं आप, और से बड़े नहीं, मोहित चंदा मैं कहता हूँ सोच ले आती है, सही कह रहे हैं आप, और बाकी लोग ट्राई करें, शाबाश। द बोर्ड वुड लाइक टू हैज अगेन, द बोर्ड वुड लाइक टू हैज अगेन, द बोर्ड वुड लाइक टू हैज अगेन, और से देखें क्या लिखा हुआ है, वुड हैज अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क ऑन द पेमेंट फॉर द न्यू मशीनरी। डर किससे, डर डर डर, देखिए ना पेमेंट में रिस्क है ना। ठीक है जुबैर खान, हाँ जाइबर रहमान सही है, बिल्कुल सही, डॉलर बिल्कुल ठीक है। टिपिकली देयर आर यूरो, अच्छा अब एक और बात, अब ये यूरो की क्या कहानी है, नॉर्मली आपको लग रहा है कि यार पीकेआर वर्सेस डॉलर, जो पाकिस्तान मुल्क में आजकल अलमिया चल रहा है, पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर का जो मसला चल रहा है कि डेप्रिशिएट बहुत ज्यादा हो रही है पाकिस्तानी करेंसी, तो ये पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर का मुकाबला नहीं होगा, आज जो मुकाबला होगा पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर का नहीं होगा, आज जो मुकाबला होगा वो यूरो वर्सेस डॉलर होगा, क्योंकि हमारी जो समझे होम करेंसी हो गई है, वैसे तो होम करेंसी रुपीज होती है, वैसे तो मगर यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे यूरो हो गई है, क्योंकि यूरो हमें हर हाल में मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है, 2 मिलियन रिसीट हर महीने मिल रही है, मगर मसला क्या है, मसला ये है कि यूरो और डॉलर में भी तो फर्क है ना। लेकिन इसको बात को समझे, पेपर में ना ये थोड़ा सा परेशानी हो गई, लोग पाकिस्तानी करेंसी ढूंढते रह गए, उनको नहीं मिली पाकिस्तानी करेंसी, लेकिन बात को समझे, 2 मिलियन यूरो आ रहे हैं ठीक है, मगर मसला ये 2 मिलियन यूरो आ रहे हैं और हमें पेमेंट करनी है डॉलर में, तो यूरो वर्सेस डॉलर भी तो रिस्क है ना या नहीं है। एक बंदा कह रहा है यार तुम तो फ्रीलांसिंग से कमा लेते हो, तुम्हें क्या मसला डॉलर में पेमेंट करनी है, तो सामने वाला बंदा कह रहा है भाई मैं फ्रीलांसिंग से कमाता हूँ एथोपिया में, अब एथोपिया की करेंसी और डॉलर में तो फर्क है ना, लेट से एक फ्रीलांसर ने ना लैपटॉप बाय कर लिया अमेरिका से, मगर वो कमाता है जिम्बाब्वे में, वो कमाता है एथोपिया में मिसाल के तौर पर, तो एथोपिया में तो बिर्स चलते हैं बिर्स, तो उसको फिर भी रिस्क तो है ना यार, वो कह रहा है यार तुम तो बार ही बार कमाते हो, तुम्हें बाहर पेमेंट करनी है, तुम्हें क्या मसला। ठीक है ये मेरी बात समझ आ रही है, बिल्कुल हम यूरो को यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए, मगर बात ये है चूंकि यूरो और डॉलर में भी तो फर्क है ना, यूरो और डॉलर में भी तो फ्लक्चुएशन आ सकती है ना, जिस तरह फ्रीलांसर अगर एथोपिया में कमाता है और वो बिर्स लेता है, तो बिट्स और डॉलर में अगर लेट से कुछ प्लस माइनस होगा एक्सचेंज रेट का, तो भी उसको नुकसान होगा या फायदा हो सकता है, तो खैर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि पेमेंट को हमें हैज करना है, सही है जी। अच्छा आगे चलते हैं, क्योंकि अगर आपने फैसला अलग कर लिया तो काम खत्म हो गया, बिगिनिंग ऑफ जनवरी नहीं है, सही है बिगिनिंग ऑफ जून है, सही कह रहे हैं साहब, है जो हमें करना है 2 मिलियन डॉलर की पेमेंट, पे मोर, पता ना फिर वो रूल वूल सब चेंज रहेंगे, बुक में नहीं है पेज नंबर यार, ये हमारा रिसेंट टाइम का सवाल है ना यार, दिसंबर 22, तो ये आपको आईकैप की वेबसाइट से मिलेगा, कोई अल्लाह का बंदा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दे तो मैं फिर बाकी ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दूंगा, वरना आप ये स्क्रीन से भी देख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है वैसे। अच्छा आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मनी मार्केट एंड फ्यूचर्स, तीन आपके पास है, फॉरवर्ड है, मनी मार्केट है, फ्यूचर है, 14 मार्क का सवाल है जी, स्पॉट रेट बताया हुआ है 1.79, 1.081, फॉरवर्ड प्रीमियम बताया हुआ है, प्रीमियम ऐड होगा लेस होगा, ये सारी कहानी देखेंगे, आई कैप ने हमारे हिसाब से किया माशाल्लाह, इस बार कोई गलती नहीं की आई कैप ने, मार्च फ्यूचर 20,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज है जी, 1.0825 USD पर यूरो, जून फ्यूचर है जी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज है यूरो में, 1.089 USD पर यूरो, स्पॉट रेट एस्टिमेटेड बताया हुआ है 1 जून 2023 का, सही है, जून फ्यूचर्स बताए हुए हैं, जून फ्यूचर्स की प्राइस बताई हुई है, टिक साइज बताया हुआ है, टिक साइज के बगैर मैंने आपको बताया हमारे सारे काम हो जाते हैं, हमें टिक साइज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, अनलेस के बहुत एहतमाम से बोले कि नहीं जी टिक साइज से ही करके दो, इंटरेस्ट रेट आपको यूरो और यूएसडी के बताए हुए, ताकि मनी मार्केट हेजिंग में आपको परेशानी ना हो, सेकंडली द कैश फ्लो फॉरकास्ट आइडेंटिफाइड दैट कंपनी विल गो ओवरड्रॉन इन 6 मंथ्स टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि आपको क्या होगा, ओवरड्रॉन आएगा 6 मंथ्स के लिए, द ओवरड्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 200 मिलियन रुपीज, द बोर्ड इज कंसर्न्ड दैट द इंटरेस्ट रेट विल राइज अबव द 7% एंड वुड लाइक ऑन हाउ टू हेज अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट यूजिंग ओवर द काउंटर ओटीसी इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ये बी पार्ट की बात हो रही है, आई थिंक इसको बी पार्ट के लिए रखते हैं, अभी सारा फोकस हम ए पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है जी बात समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं है, पाकिस्तानी करेंसी पहली बार आई है पूरे सवाल में, और ना ऊपर यूरो और यूएसडी में कहानी चल रही है, ठीक है सवाल समझ आ रहा है कि हमें यूरो की मदद से डॉलर पेमेंट करनी है, मगर यूरो डॉलर का आपस में हिसाब किताब बिगड़ सकता है, इसीलिए इसको भी हमें हेज कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, मैं बहुत स्टार्ट करूंगा आसान से यार, देखें तीन का हेजिंग है हमारे पास, सही है तीन हेजिंग है, पहले मैं विदाउट हेज कर लेता हूँ, या विदाउट हेज नहीं करते, चलो डायरेक्ट वो विदाउट हेज भी चल सकते हैं, अगर हम हेजिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा,
ये डिवाइड का केस है मल्टीप्लाई का केस है? अच्छा डिवाइड का केस है मल्टीप्लाई का केस है, ऐसे टुके नहीं लगाने ना यार। प्लीज देखें डिवाइड का केस है ये मल्टीप्लाई का केस है, पहले आप मुझे ये जवाब देंगे, क्योंकि सवाल में अगर एंट्री गलत हो गई तो भाई गेम खत्म है, तो फिर स्पॉट रेट पे काम। अच्छा एक टाइमलाइन बना लेते हैं, आज क्या है, आज है एंड ऑफ दिसंबर, ठीक और फर्स्ट जून सही है ना, स्टार्ट ऑफ जून उसने कहा था। जी मल्टीप्लाई डिवाइड सही है, गदी शबीर अमार अमारा खान सही कह रहे हैं, जुबैर खान सही कह रहे हैं, मुस्तफ़ा सही कह रहे हैं, अतिया मैं कहता हूँ सोच लें, ज़ायबा रहमान सोच लें, सही अतिया अब आपने सही कहा, मेरी बात समझ आ रही है? चलें जी थैंक यू, ये पेपर शेयर कर दिए इन्होंने, वेरी गुड। क्वेश्चन पेपर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ ताकि बाकी लोगों को भी आसानी हो जाए। जजाकल्ला जी, थैंक यू। जी बाकी लोगों का क्या ख्याल है? हाँ जी बाकी लोग बताएं प्लीज, उठ रहे हैं भाई उठ रहे हैं, टेंशन नहीं लेने, गलत हो जाएगा मसला नहीं, अभी गलत हो जाए, पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? वैसे तो अभी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बात हो चुकी है, अब हम बहुत एंड में आ गए। खैर हम चेक कर लेते हैं विदाउट हेल्प में क्या होगा, पहले मैं एक ऐसे ही कर लेते हैं कि डिवाइड और मल्टीप्लाई। पाकिस्तानी करेंसी की ज़रूरत भी नहीं है ना, हमने बताया ना यूरो वर्सेस डॉलर कहानी चल रही है ना, क्योंकि हम कमाते ही यूरो में, ये वो वाली एग्जांपल है कि कोई बंदा अगर फ्रीलांसिंग करता है, वही फ्रीलांसिंग करता है कोई बंदा और इथोपिया की करेंसी बिल्ड में कमाता है और उसको पेमेंट डॉलर में करनी है, तो भी बहरहाल रिस्क तो है उसका, तो उसका पीकेआर वर्सेस डॉलर रिस्क नहीं है, उसका बिल्ड वर्सेस डॉलर है ना, क्या ख्याल है? सही है बिल्ड वर्सेस डॉलर होगा ना उस केस में, तो यहाँ पे हम क्योंकि यूरो हर महीने मिलते ही मिलते 2 मिलियन, वो मसला नहीं है, हमें 2 मिलियन डॉलर की पेमेंट करनी है मसला नहीं, 2 मिलियन यूरो आ रहे हैं, मगर बात ये है कि 2 मिलियन यूरो जो आ रहे हैं उसका डॉलर से भी तो हिसाब किताब ऊपर नीचे हो सकता है, जो बात हो रही थी। तो खैर हम ये एक्सचेंज रेट लिखेंगे, यूएसडी यूरो डॉलर वर्सेज यूरो, कौन वाने कौन वाने, इन्होंने देखें कितना आसान कर दिया हमारी टेक्निक के लिए, इतना इतना आसान कर दिया यूरो वाने, कोई एक रेट ले लेते हैं 1.079, सिर्फ मैं आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे बात समझ आ रही है चंदा? ये देखो ये बात को समझो, पाकिस्तानी करेंसी नहीं है तो क्या सवाल थोड़ी छोड़ देंगे यार, प्रैक्टिकली भी तो ऐसा हो सकता है ना कि आप दो डिफरेंट करेंसी में डील कर रहे हो, ठीक है? अच्छा ये क्या नाम है, कितने डॉलर हैं? 2 मिलियन डॉलर, तो यूरो से डॉलर से हम हैच कर लेंगे यार। खैर अच्छा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, लेट ज्वाइन किया मुझे लग रहा है मोदी साहब ने, अभी बाद में ज्वाइन किया ना। अच्छा पाकिस्तानी करेंसी मुझे सवाल में कहीं ढूंढ के दे दो तो मैं यूज कर लूंगा। हाँ नजर आ रही पाकिस्तानी करेंसी, ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट में नजर आ रही है, बी पढ़ रहे एहतजाज तो नहीं करेंगे ना पेपर वर्ल्ड के, नहीं जी पाकिस्तानी करेंसी नहीं, हम सवाल बाहर इसीलिए नहीं करेंगे भाई, जो है उस पर काम करना पड़ेगा। लॉजिक मैंने आपको दी अभी इतनी जबरदस्त इथोपिया वाली एग्जांपल से, फ्रीलांसिंग वाली एग्जांपल। अच्छा कौन सा केस लग रहा है जी, डिवाइड केस। अच्छा पे मोर होता है, अब रूल की बात कर लेते हैं। तो डिवाइड किससे करेंगे, स्मॉल या लार्ज, डिवाइड बाय विच रेट, डिवाइड बाय विच रेट, डिवाइड का केस है ना भाई, ठीक है हमारा खान आपका आंसर सही आ रहा है, आपका आंसर सही आ रहा है, असर आपका आंसर सही आ रहा है, और कोई ट्राई करें, ठीक है जी स्मॉल रेट, छोटे रेट से डिवाइड करेंगे भाई,
ठीक है, बिल्कुल सही है। हमाद कदीर शबीर गायब रहमान, सही कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, सही है। यहाँ तक बात समझ आती है किसी को मसला? यूरो वर्सेस डॉलर चलना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, क्या करें क्या करें। पीकेआर का नामो निशान ही नहीं है अभी तक, बी पार्ट के लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है, इसको नोट करें जरा यहाँ तक, और फिर मुझे बताएं कि फॉरवर्ड में क्या होगा। फॉरवर्ड आप करेंगे सही है ना, विदाउट हेजिंग को बाद में देख लेंगे, मसला नहीं है। फॉरवर्ड को आप करें जरा जल्दी से, ये पेमेंट इंटर फॉरवर्ड क्या हो जाएगी। फॉरवर्ड का प्रीमियम दिया होगा, ऐड होगा, लेस होगा, क्या होगा, प्लीज ये कहीं आपने ट्राई करना है यार, लेकिन थोड़ा क्विकली करेंगे, टाइम कम है हमारे पास। पेमेंट इंटर फॉरवर्ड क्विकली क्विकली करेंगे, शाबाश। कॉल करें मुझे बताएं क्या आ रहा है जी। प्रीमियम ऐड करेंगे, लेस करेंगे, सोचे ना, पे मोर। जी पे मोर, सही है जुबैर खान, नहीं साहबा उल्टा कह रहे हैं आप। तो डिवाइड बाय व्हाट, अगर डिवाइड का केस है और पे मोर है तो क्या बात हुई थी, डिवाइड बाय। हाँ डिवाइड बाय, बिल्कुल सही है हमारा मुस्तफा साहब, तकरीबन सही है आपका आंसर, वेरी गुड। ठीक है मुस्तफा साहब आपका आंसर सही, बिल्कुल सही है सर। तो प्रीमियम को क्या होना चाहिए यार, अगर मुझे बड़ा आंसर चाहिए ना, पे मोर, हमारा फायदा नहीं है उसका फायदा है, हमारा तो लॉस होगा, हमें तो पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, तो अगर मुझे बड़ा आंसर चाहिए तो मुझे डिवाइड करना है छोटे रेट से, छोटे रेट से। तो प्रीमियम को क्या करें भाई, प्रीमियम को क्या करें। हाँ अब सही है आपका आंसर आती है, परफेक्ट, ये आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है जी, सही आंसर है हमारा, वेरी गुड। प्रीमियम विल बी रिजेक्टेड, और इस बार हमारा आईकैप से मैच हो रहा है आंसर, मतलब हम और आईकैप एक पेज पे हैं, वरना प्रीवियस कुछ आपको सवालों में इख्तिलाफात नजर आए हैं, मगर इस सवाल में कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं लेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्मॉलर रेट पहले तो वही छोटा रेट यूज़ करेंगे। अच्छा, हमेशा जो प्रीमियम एडजस्ट होता है वो आज के स्पॉट में होता है, वो बाद के स्पॉट पे नहीं होता, वो आज के स्पॉट पे होता है। ये नहीं हो कि आप इस स्पॉट पे प्रीमियम एडजस्ट कर लो, इस स्पॉट पे प्रीमियम एडजस्ट करोगे तो गलती हो जाएगी भाई, गलती हो जाएगी। स्पॉट रेट आप हैज रेट का देते हैं, हैज रेट का आप स्पॉट रेट लेते हैं जो कि 1.079 होगा, स्मॉल रेट लेंगे उसमें से लेस कर देंगे, उसी का रेलेवेंट प्रीमियम, याद है लाइक टू लाइक चलते हैं, उसी के नीचे वाला प्रीमियम, नीचे वाला प्रीमियम देखें। ये याद है कि एक सवाल मैंने कलर करके दिखाया था, एक सवाल मैंने कलर करके दिखाया था कि अगर आप ऊपर वाला रेट यूज, पहला रेट यूज करें, लेफ्ट हैंड वाला रेट यूज करें, तो फिर प्रीमियम भी हम लेफ्ट हैंड वाला यूज करेंगे, अगर आप राइट हैंड वाला यूज कर रहे होते रेट लेट से, अगर आप ये रेट यूज कर रहे होते तो प्रीमियम भी फिर आप ये वाला लेते, ठीक है ना, 1.26। मगर चूंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि नहीं है, हम उल्टे हाथ वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। चलें कितना प्रीमियम लेस करेंगे, ये सेंट्स में दिया हुआ है, 1.46, 0.0146 हो जाएगा, तो रेलेवेंट रेट आ जाएगा, फॉरवर्ड रेट आ जाएगा, कितना आ गया, 1.0644। यही है तो पेमेंट, अंडर फॉरवर्ड 2,000,000, 1.0644, यूरो में आंसर आ रहा है 1,878,992। ठीक है जी, कितने लोगों ने ये निकाल लिया जी, डन है, ओके। थोड़ा एहतमाम से मैं सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है ना, एहतमाम से इसलिए सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। नोट कर ले प्लीज, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ ले, रेट हमें दिया हुआ था जी, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, टेंशन की बात है ही नहीं, प्रीमियम हमें दिया हुआ, इस स्पॉट में नहीं करेंगे भाई, कोई स्पॉट किसी और काम के लिए दिया हुआ, ये बाद वाला स्पॉट किसी और काम के लिए दिया हुआ, ठीक है। कोई सवाल है, क्लियर है, फॉरवर्ड क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा उसके बाद हम मनी मार्केट कर लें पहले,
मनी मार्केट कर लेते हैं जल्दी से, ये भी इजी मार्क्स होते हैं। इस पे मैं कुछ इख्तलाफ है, आईकेएफ से बताते हैं क्या इख्तलाफ। हाँ अभी करते हैं ज़रा, पहले फ्यूचर से करना है या पहले मनी मार्केट से करें? पहले डेटा किस चीज़ का आ रहा है, फ्यूचर से कर ले चले। चलें ठीक है, पहले फ्यूचर से कर लेते हैं फिर मनी मार्केट से देख लें। ठीक है, पहले फ्यूचर दिया हुआ, फ्यूचर मैं पेपर में मैं कहूँगा पहले मनी मार्केट करिएगा, मुझे मनी मार्केट डरा था बट हम चले अभी फ्यूचर से कर लेते हैं। हेजिंग अंडर फ्यूचर, हेजिंग थ्रू फ्यूचर। अच्छा प्लीज़ ये थोड़ा फोकस करिएगा, असल जो क्रक्स है, असल जो मार्क्स है ना वो इसी में, मेन मार्क्स हैं सवाल के आई थिंक वो इसी में है जो हम फ्यूचर वाली हेजिंग डिस्कस करें। तो चलिए स्ट्रेटजी बनाएंगे जी। स्ट्रेटजी क्या होती है? नंबर वन, जल्दी जल्दी बताएं जी, हेज स्ट्रेटजी बनती थी फ्यूचर हेजिंग में, पढ़ी हुई है डिटेल में। पेमेंट है, पेमेंट है, पेमेंट है, क्या क्या स्ट्रेटजी बनेगी? पेमेंट है, जल्दी जल्दी बताएं प्लीज, पार्टिसिपेट करेंगे यार। देखो ऐसा नहीं करो, पार्टिसिपेट करो सब यार प्लीज, बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर हमने स्ट्रेटजी बना ली। ठीक है सही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया जाहिबा, असद, अमारा खान, अतिया, मुस्तफ़ा, बिल्कुल सही है, बाय नाउ सेल लेटर हमने लिख दिया। ठीक है अभी दुनिया कहानी में ट्विस्ट आता है। सेकेंड नंबर पर क्या होगा? चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कौन से महीने का कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे? दो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, कौन सा सेलेक्ट करेंगे? मार्च सेलेक्ट करेंगे, जून सेलेक्ट करेंगे? टाइमलाइन को देख के फैसला करें, टाइमलाइन को देख के फैसला करें, मार्च कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, जून पे काम करेंगे? एग्जामिनर इतना भोला है, मैं क्या बोलूँ, हमारे एग्जामिनर बड़ा भोला है यार। जल्दी बताएं क्यों जून कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं? सही कह रहे हैं जमात, अमारा खान, जुबैर खान, असद, जायबा, क्योंकि मार्च वाला तो पहले ही एक्सपायर हो चुका होगा, मार्च वाला तो पहले ही डेट हो चुका होगा, मार्च वाला तो पहले ही अल्लाह को प्यारा हो चुका होगा। और मजे की बात ये, आगे जो इसने एस्टिमेटेड डेट दिया वो भी सिर्फ जून का दिया हुआ है, मार्च का एस्टिमेटेड डेट भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ जून का दिया हुआ। तो ये भी एक हिंट है कि मार्च था ही नहीं, मार्च रिलेवेंट था ही नहीं, जब भी इसने मार्च का रेट भी नहीं लिया, जो जो बात का ट्रांजेक्शन रेट में नहीं चाहिए होता, हमें गेन लॉस निकालने के लिए रेट चाहिए होता, तो वो इसने लेके जून का दिया हुआ। तो ये कोई इतनी अच्छी लॉजिक नहीं है, मगर एक बात है, वैसे तो खैर टाइमलाइन बना ली है, मगर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि पेमेंट जो है चूंकि जून में है, तो आपको 1 जून को है, तो आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेना है जो जून में के जून के बाद एक्सपायर हो रहा हो। ठीक है, नियरेस्ट आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेट। ठीक है, तो चॉइस होता कॉन्ट्रैक्ट में हो गया जून। अच्छा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने कितने आ रहे हैं भैया? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालें, कॉन्ट्रैक्ट साइज है 20,000, कॉन्ट्रैक्ट साइज है 20,000, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालें कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश शाबाश शाबाश, जी मुस्तफ़ा नहीं चंदा, आपका सही नहीं आ रहा, जुबैर खान नहीं चंदा, मसला आ रहा है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते हुए हमें एक बात देखनी पड़ेगी, 2 मिलियन का हैज अमाउंट है और कॉन्ट्रैक्ट साइज 20,000 है, 2 मिलियन का हैज अमाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइज 20,000 है, मगर एक मसला है, वो मसला ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो हमारा यूरो में है और जो हमारा हैज अमाउंट है वो हमारा USD यानी के डॉलर में है, डॉलर। तो एक तरफ डॉलर है, एक तरफ यूरो है, एक तरफ डॉलर है, एक तरफ यूरो है, तो अब क्या होगा हमारा, क्या होगा? एक तरफ डॉलर है जी और एक तरफ यूरो है, तो ये करेंसी अलग अलग हो गई, ऊपर डॉलर आ रहा है, नीचे यूरो आ रहा है, नीचे यूरो आ रहा है ना, ये तो कुल तादाद हो गया। इसका मतलब ये सवाल किस चीज का हो गया, इसका मतलब ये सवाल किस चीज का हो गया, इसका मतलब ये गलत तरीका है, इस सवाल ये इनडायरेक्ट हेजिंग का सवाल, इनडायरेक्ट हेजिंग का सवाल हो गया। एग्री करते हैं, एग्री करते हैं भाई, याद आ रही है बातें, मैं डायरेक्ट नहीं सस्पेंस ब्रेक करना चाहता, मैंने तो पहले देख लिया था, मैंने तो पहले देख लिया था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइज की करेंसी अलग है, मगर आप समझ रहे हैं, ये बात समझ आ रही है, याद आ रही है बातें, तो नंबर ऑफ इनडायरेक्ट हेजिंग एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं आएंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं आएंगे, कैसे निकालेंगे?
पहले कन्वर्टेड अमाउंट निकालना पड़ेगा, पहले कन्वर्टेड अमाउंट निकालना पड़ेगा, डिवाइड का केस है पहले ही डिसाइड हो चुका है ना, फ्यूचर रेट पे कन्वर्जन हो गया एट फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर की दुनिया के लिए होती है ना, तो फ्यूचर प्राइस पे कन्वर्जन होती है याद है, स्पॉट पे नहीं करते थे, स्पॉट पे नहीं करेंगे, फ्यूचर प्राइस पे करेंगे, ये तो कट गया, इसकी जरूरत नहीं है ये वाला 1.0894। भाई याद आ रही है बातें यार, देख लो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिविजन हो रहा है हमारा फॉरेक्स का, एग्री करेंगे, एग्री करेंगे 1.0894 कितना आ गया अभी यूरो में आया 1.85, 1.85873। अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लें, लाइक टू लाइक हो गया, न्यूमरेटर भी यूरो हो गया और डिनोमिनेटर तो पहले से ही यूरो लिया हुआ है सवाल 91.8। परेशानी तो नहीं हो रही है इससे, मुश्किल मुश्किल चीज़ें मैंने पास में देखी है मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है इससे मुश्किल मुश्किल चीज़ें हमने पास में देखी है, नहीं ठीक है ना, क्लियर है, स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है, इंडायरेक्ट हेज हो चुका है और स्ट्रेटजी को भी चेंज करेंगे यहाँ पे, बाय नाउ सेल एट की जगह स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी, थैंक्स टू इंडायरेक्ट हेजिंग, थैंक्स टू इंडायरेक्ट हेजिंग। यहाँ से किसी का कोई सवाल है पूछ लें यार प्लीज, किसी का कोई भी सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लें प्लीज, मुझे बताएं। हाँ सेल नाउ बाय लेटर होगी, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है, गेन लॉस ऑन फ्यूचर निकाल लेते हैं, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्या हो जाएगा भाई, बात समझ आ रही है, देख लें प्लीज कोई कंफ्यूजन, अभी मैं नोट करने का टाइम दूंगा पहले समझ लें, ऑलरेडी सोल्ड ऑन 31st दिसंबर, फिर हम कहेंगे बाय लेटर, सेल नाउ बाय लेटर है ना, ऑन 1st जून तो बाद में लेटर ऑन, ठीक है, कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं 92 कॉन्ट्रैक्ट्स है, 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, और क्या रेट चल रहा है 31st दिसंबर को, स्टार्टिंग रेट पे क्या रेट चल रहा है 1.0894, ये रहा 1.0894, 31st दिसंबर को रेट चल रहा है 1.0894, ये देखेंगे 1.0894। अच्छा ये बताएं ये जो आपके पास फिगर आएगी ये डॉलर में आएगी यूरो में आएगी, यहाँ क्या करेंसी आएगी, इस जगह पे क्या करेंसी आएगी प्लीज़ मुझे बताएंगे, ये करेंसी कौन सी लिखेंगे यहाँ पर प्लीज़ यार, कन्फर्म करेंगे यार, शाबाश, डॉलर लिखें या यूरो लिखें, सही कह रहे हैं हमारा खान, सही कह रहे हैं मुस्तफा, नहीं अतिया सोचें इंडायरेक्ट हेजिंग में क्या होता था, फिर 92 into 20,000, सवाल आसान है, इसने बेसिस की मजा ये नहीं निकलवाया जी। अच्छा एक एक काम करते पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी क्या है, ये भी जून फ्यूचर की रेट, 31st जून का रेट दिया हुआ है फ्यूचर का 1.0699, मतलब बेसिस की मदद से निकालते थे याद हो आपको, बाद में अगर रेट नहीं दिया होता तो हम बेसिस की मदद से निकालते थे 1.0699। तो करेंसी कौन सी यूज होगी इस पर बात कर लेते हैं, ये आंसर क्या बन रहा है 2004496, करेंसी कौन सी है जी 1968, बाकी लोग जवाब नहीं आए, काफी लोग माशाल्लाह हैं हमारे पास भाई, बाय लेगे ये करेंसी है, कौन सी करेंसी है ये, डॉलर है, डॉलर कैसे डॉलर है भाई, 92 कॉन्ट्रैक्ट में 20,000 यूरो है, सही है, यहाँ तक बात समझ आती है, यहाँ तक बात समझ आती है, हाँ हाँ अभी करते हैं, मगर ये आपने जो मल्टीप्लाई किया ये क्या किया, 1.094 क्या आई है, यूरो यूरो वन था याद है, हम कन्वर्जन कर रहे थे यूरो वन था, तो बाकी ये जो रेट था ये तो डॉलर का रेट था ना, ये तो डॉलर का रेट था ना, जो 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 डेसिमल में 1 point something है, तो आपने चूंकि इससे मल्टीप्लाई कर दिया इस वजह से ये फिगर किस में चला गया, डॉलर में चला गया, याद आ रही बात, और इंडिया के हेजिंग में होता ही था कि गेन लॉस हमारी करेंसी में नहीं आता, पराई करेंसी में आता, किसी और की करेंसी में आता था, याद आ रही है बात, मैं वापस रिपीट करूँ, देखो लॉजिक भी समझ लिया ना, जो जो
लॉजिक है ये कि कॉन्ट्रैक्ट 92 में 20,000 यूरो, यहाँ तक यूरो में चल रहा था, मगर फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया इस चीज से, क्योंकि हमने इस चीज से मल्टीप्लाई किया, ये क्या, ये डॉलर का रेट, समझ रहे हैं? ठीक है, डन है, चलें। तो ये गेन आ रहा है मेरे फल से, प्लस में आ रहा है गेन ऑन फ्यूचर्स। थ्री 5 8 8, मगर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारी लोकल करेंसी यूरो हो गई है, हमारी लोकल करेंसी यूरो हो गई है जी। 92 डिसीजन फैक्टर है, बिल्कुल इसको कन्वर्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पे मुझे आई कैप से इख्तिलाफ है, यहाँ पे मैं आई कैप से इख्तिलाफ है। अमारा खान, आपने कल एक सवाल ही पूछा था आई कैप समर 2019 से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड आपने सवाल पूछा था, और आज ये क्लैश यहाँ भी नजर आएगा। आई कैप से हमारा इख्तिलाफ ही, आई कैप इस गेन को नेट कर देता है, हम ये कहते हैं गेन हमें रिसीव होगा, एक अलग दुनिया, एक अलग मार्केट है, तो हम गेन लेके बाहर आ जाएंगे। तो कन्वर्ट इन यूरोस, रिसीव लेस वाला रेट यूज करेंगे, रिसीव लेस वाला रेट यूज करेंगे। किस डेट का रेट है ये 1 जून का रेट, 1 जून, ये गेन किस डेट को आया, 1 जून को आया। तो 1 जून में गेन स्पॉट पे कन्वर्ट करते थे, याद करें प्लीज, ये बातें याद आ रही हैं यार, स्पॉट पे कन्वर्ट करते थे चंदा। क्लियर है आप लोगों को, हमाद क्लियर है चंदा, बता बताओ, 1.0682 लोगे या 1.0692 लोगे, कौन सा रेट लेंगे हमाद, 1.0682 या 1.0692? रिसीव लेस है, डिवाइड का केस है, डिवाइड कितने से होगा, ये हमारा इख्तिलाफ है आई कैप से थोड़ा। नहीं असद, 1.0682 क्यों होगा, हमाद बड़ा रेट यूज करोगे ना, सही कह रहे हैं जायबा, सही कह रहे हैं अमारा खान, सही कह रहे हैं असद, असद अब सही कह रहे हो, गुड, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है जायबा, 1.0692 ठीक है, 1.0692, क्योंकि बड़े रेट है। ये एक मसला है, आई कैप जो है 1.0682 से ही कर रहा है, वो एज्यूम कर रहा है पेमेंट से लेस हो जाएगा, तो हम तो पेमेंट स्पॉट मार्केट में कर रहे हैं, तो चूंकि मार्केट का फर्क है, तो हम गेन लेके बाहर आ जाएंगे, गेन के पैसे गेन के बाहर आ जाएंगे। तो सिर्फ एक ये छोटा सा हमारा आई कैप से क्लैश है, छोटा सा, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉलर रेट नहीं होगा हमारा, बड़ा रेट होगा ना चंदा, अगर स्मॉलर रेट लोगे तो पे मोर हो जाएगा, रिसीव लेस करना है, हमें तो छोटा आंसर चाहिए, ये तो गेन हमारा फायदा है, गेन हमारी इनकम है, गेन तो हमारी इनकम है। हमारी बात समझ आ रही है, देखो इस रेट्स में है, ख्याल करना हमें गेन है इस वजह से, बिल्कुल 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 ठीक है। चलो गैस हो गया, यूरो में आ गया, ये हम हेजिंग की दुनिया से बाहर आ गए, ये हम हेजिंग की दुनिया से बाहर आ गए, याद आ रही बात, हेजिंग की दुनिया से बाहर, यहाँ तक नोट करें, कोई सवाल है पूछ लें, या एक साथ ही नोट कर लेंगे ना, हेजिंग की दुनिया से बाहर आ गए। अब एक्चुअल पेमेंट निकाल लें, नेट पेमेंट, डायरेक्ट नेट पेमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि नेट पेमेंट, यहाँ भी नेट पेमेंट निकालिए ना, तो नेट पेमेंट निकाल लेते हैं, वो हेज एफिशिएंसी वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, वो सारे लवाजमात करने की जरूरत नहीं है, गेन लॉस ऑन स्पॉट निकाला जा सकता है, ठीक है वो देख लेंगे आखिर में, ठीक है। अभी हम ये निकाल लेते हैं कि एक नेट पेमेंट कैसे निकलती थी, एक्सपेक्टेड पेमेंट, याद आ रही है बात, एक्सपेक्टेड पेमेंट, स्पॉट रेट ऑफ 1 जून, स्पॉट प्रीपेड रेट ऑफ 1 जून 2 मिलियन, क्या रेट है, क्या रेट है, 1.0682 छोटा रेट यूज करेंगे प्लीज, यहाँ छोटा रेट यूज होगा, ये नहीं कि यहाँ भी आप बड़ा रेट यूज कर लो, 1.0682, तो कितना बन गया, 1872309, ठीक है थैंक यू। इसमें से लेस कर दें गेन,
जीएन कितना आ गया 33558। नेट पेमेंट आ गई 33558, लेस कर दिया 1838751। देखें चेक करेंगे आ रहा है। अच्छा कौन जीत रहा है, फ्यूचर जीत रहा है या फॉरवर्ड जीत रहा है अभी? फ्यूचर जीत रहा है या फॉरवर्ड जीत रहा है, कौन जीत रहा है अभी? अभी फ्यूचर्स में कितनी आ रही है पेमेंट? 1878993 कोई फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में यहाँ आ रही 1838751। कौन जीत रहा है अभी तक? आई कैप से थोड़ा मैच नहीं होगा हमारा आंसर, मैंने आपको बता दिया वजह क्या। आई कैप इसी में नेट कर रहा है गेन को, गेन को उसी करेंसी में वो करके नेट कर रहा है। फ्यूचर जीत रहा है फ्यूचर, ठीक है यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ तक कोई सवाल है पूछ लें प्लीज यार। ठीक है जी, तो हमने आई थिंक फॉरवर्ड कर लिया, हमने फ्यूचर्स कर लिया, हमें मनी मार्केट करना है अभी। मनी मार्केट आप ट्राई करो, मनी मार्केट में भी थोड़ा सा इख्तिलाफ है मार्केट से, विदाउट हेजिंग भी देख लीजिए अगर विदाउट। अच्छा अभी हमने क्या क्या कर लिया लिखते जाते हैं, हमने भी क्या क्या कर लिया है, हमने फॉरवर्ड कर लिए 1878993, ये रहा। हमने मनी फ्यूचर्स कर लिए, मैंने 38751 हमने विदाउट हेजिंग, विदाउट हेजिंग कितने पैसे आएंगे अगर हम हेजिंग ही नहीं करते? ये तो क्लियर है ना, अगर हम हेजिंग नहीं करेंगे तो फिर ये इतने पैसे आएंगे एक्सपेक्टेड रेट के अंदर। एक्सपायर डेट ऑन 1 जून, ठीक है ना, ये यहाँ से निकालें। ठीक है मनी मार्केट आप मुझे करके बता दो, ठीक है इसको नोट करेंगे प्लीज। यहाँ तक मुझे मनी मार्केट बता दें क्या है, मनी मार्केट ट्राई ऑन यू, मनी मार्केट में छोटा सा इख्तिलाफ है क्या, देखते हैं क्या है। मनी मार्केट है जो ऑनियन जल्दी से करेंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है कि मनी मार्केट आप खुद निपटाएं और फिर देखें कि आंसर क्या है। ठीक है, आई कैप ने क्या किया है कि डायरेक्ट इसी पेमेंट में से ही ना जो 2 मिलियन का था उसी में से गेन लेस करा के नेट अमाउंट में कन्वर्जन किए, क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगता गेन एक अलग दुनिया, गेन लेंगे हम रिसीव लेस होगा उस पर डिफरेंट रेट लगेगा। इवन तो उसने भी स्पॉट पे ही काम किया मगर थोड़ा सा फर्क आएगा, वेरिएशन आएगा। इसको नोट कर लें, कोई सवाल है किसी का पूछ लें, क्लियर है बात हमें? जल्दी करें मनी मार्केट और फिर बी पार्ट इसका इंटरेस्ट हेजिंग और लास्ट पार्ट डिविडेंड है, फिर करके हम ये सवाल एंड करेंगे, फिर अगला सवाल देखते हैं इंशाल्लाह। जल्दी करें, इस पेपर के कुछ सवाल मैं सॉफ्टवेयर पे करा रहा हूँ ताकि सॉफ्टवेयर का भी आइडिया रहे, और कुछ वन नोट पे करें ताकि मिक्स एंड मैच चलता रहे। ठीक है जल्दी से करेंगे इसको नोट, शाबाश। ये नहीं मनी मार्केट का डेटा आपके सामने, इंटरेस्ट रेट डीएमए कौन सा रेट का, कौन सा बड़ा रेट जो होता है वो बोरो रेट होता है, और जो छोटा रेट होता है डिपॉजिट होता है, ये बात हम ऑलरेडी जो मनी मार्केट पढ़ रहे थे बात हो गई है। किसका कौन सा रेट यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। प्लीज जल्दी से समझता हूँ जिनका नोट हो गया मनी मार्केट पर आ जाए, क्विकली क्विकली कर ले। रिकॉर्डिंग वाले अजाद आपने भी करना है जी, ठीक है। अतिया आपका आंसर भी सही लग रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है नहीं अतिया चेक करें कुछ गड़बड़ लग रही है, सॉरी हमारा खान आपका आंसर सही है मनी मार्केट का। थोड़ा क्विकली क्विकली करें मनी मार्केट में, सॉल्व करने शुरू लगाऊँ। देखिए जी फॉरवर्ड हो गया है, फ्यूचर्स काफ़ी काफ़ी डिटेल था वो हो गया, विदाउट हेजिंग पता चल गया, बस छोटा सा मनी मार्केट रह गया। हम ये शुरू करने जा रहे हैं मनी मार्केट, देखिएगा बताएं क्या होगा। फॉरेन करेंसी लायबिलिटी है तो क्या करते थे, पहला स्टेप फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी तो क्या करते थे, क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट है, सही था। ऐसा ही है, फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करते थे, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिपॉजिट इन यूएसए
डिपॉजिट इन यूएसए, डिपॉजिट अमाउंट कितना होगा? 5 मंथ्स का पीरियड है ना हेजिंग का, हेजिंग का पीरियड 5 मंथ्स का है ना, लेकिन एंड ऑफ दिसंबर कह रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून नहीं आएगा और दिसंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि दिसंबर एंड हो चुका है। तो डिपॉजिट करना है यूएसए में, तो डिपॉजिट रेट यूएसए का कौन सा है, यूएसए का कौन सा रेट काम का है? यूएसए में डिपॉजिट करना है आपने, डिपॉजिट रेट छोटा रेट होता है, 3%, 3% काम का है, सही है ना, 3% काम का है, मगर ये 3% पूरे साल का होता है, पर एनम होता है। तो क्या करते थे हम, क्या करते थे हम, याद करें, वन प्लस 0.03 इंटू 5/12, याद आ रही बात, इंटू 5/12, 5 मंथ कैसे अतिया, देखें आप खड़े में 31 दिसंबर को, ये देखें यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, एंड ऑफ दिसंबर को खड़े में, ये देखें सही है, अतिया मिला आपको, और ये आपको काम करना है 1 जून को। अच्छा ये कितना आ रहा है, 1975309 कर लेते हैं। अब इसको डिपॉजिट करना है तो क्या करना होगा, ट्रांसफर मनी फ्रॉम यूरो टू डॉलर यूएसडी में ट्रांसफर करना है, पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, पे मोर होता है, 21 डेट को करनी है, 31 दिसंबर को करनी है, पे मोर होता है, डिवाइड बाय लेस, पेमेंट इन यूरो, पेमेंट इन यूरो, कितना डिपॉजिट करना है, 2 मिलियन नहीं, 2 मिलियन चला गया, 2 मिलियन नहीं, 2 मिलियन चला गया, याद आ रही है बात आपको, 2 मिलियन चला गया, तो पेमेंट करनी है 1.079 कितना आ गया यूरो, 1.88 1.83 0.685 ठीक है। बोरो करना पड़ेगा इसको, बोरो इन यूरो, पैसा कहाँ से आएगा, ये आज एडवांस पेमेंट हो रही है, पहले से पैसे दे रहे हैं, आज पैसा कहाँ से आएगा, बोरो इन यूरो, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, सूद का रेट क्या चल रहा है यूरो में, यूरो में सूद का रेट, बोरो रेट बड़ा वाला रेट है 6.5, उसका दूसरा रेट यूरो का ना 6.5, इसने कुछ और एज्यूम किया, आई कैप ने एज्यूम किया है कि यूरो हमारे पास बहुत पड़े हुए हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी, यानी कि हम डिपॉजिट से पैसे उठाएंगे, और हम एज्यूम करते हैं कि हमें पेमेंट करनी होती तो बोरो करना होगा ना, हमने आज से पहले जितने भी सवाल किए आपने देखा है ना, हमने बोरो करके पैसे उठाए मनी मार्केट में, याद है, देख लें आई कैप से मैच करेंगे तो गड़बड़ आएगी, मैं अभी से बता दूं, आई कैप ने 6% पे काम कर लिया है, 6.5 पे नहीं किया, आई कैप कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, अब ये अजम्पशन मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है सवाल में वैलिड, ठीक है ना, देखें हमारे कुछ इख्तलाफ आई कैप से रहते हैं, तो यहाँ मुझे बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमने इतने सारे दर्जनों सवाल माशाल्लाह मनी मार्केट के पहले के करे हुए, मगर कहीं भी हमने ऐसा नहीं किया कि जो है ना बोरो की जगह डिपॉजिट रेट यूज कर लियो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे, हमेशा हमने कहा जब पेमेंट करनी होती है पैसे नहीं होते हमारे पास, पैसे नहीं होते हमारे पास, पैसों के लिए आपको बोरो करना पड़ता है भाई, बोरो करना पड़ता है, ये हमारा आई कैप से थोड़ा इख्तिलाफ है, ये बोरो करने में 6.5 के हिसाब से आई कैप कह रहे हैं कि आप बोरो ना करो, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लो, तो फिर मैं अगर डायरेक्ट निकाल लूँ टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, थोड़ा शॉर्ट कर लूँ मैं, ठीक है, तो 2 मिलियन सॉरी यूरो कितना है, 1.830 वन प्लस 0.065 इंटू 5/12 कितना हो गया, 1.880 2.66 कौन जीता, कौन जीता फाइनली, मेरे ख्याल से फ्यूचर हेजिंग जो सब हराम है, रिलीजियस एस्पेक्ट में जो सब हराम है, फाइनेंशियल ग्राउंड में फ्यूचर हेजिंग इज प्रेफरेबल ऑन फाइनेंशियल, ठीक है जी, नोट कर लें, तो
क्विकली क्विकली ए पार्ट हो गया, बी और सी पार्ट करके हम इस सवाल को क्लोज करेंगे और फिर आगे अगले सवाल पे जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बात? बिल्कुल सही है अतिया, ये सही है आपका। पहले मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हो रही थी। और किसी का आया ये सही सही सवाल हुआ है? ये गेम समझ आई है आप लोगों को? क्लियर है? मुश्किल तो नहीं था ये मनी मार्केट? या मैंने बता दिया आई कैप से हमारे खिलाफ है इस साल, वो 0.06 पे कर रहा है, फिर थोड़ा चेंज आएगा। मंथ 5 लिए थे, नहीं लिए थे, अच्छा मतलब इसका मतलब। ठीक है चलें, यहाँ तक नोट कर लें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें। ए पार्ट 14 मंथ यार, ये सवाल ऐसे आपस की बात है, मुझे बताएं आसान था या मुश्किल था? सच सच बताइएगा मुझे, क्या लग रहा है आपको? नहीं सीरियस बताएं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कितने मार्क्स निकाले जा सकते हैं इसमें से? मनी मार्केट को इनडायरेक्ट हेजिंग था फ्यूचर में, मगर वो भी मेरे ख्याल से पकड़ना तो मुश्किल नहीं था। मनी मार्केट हमारा बचपन का गेम, फॉरवर्ड बचपन का गेम, हाँ बुक में काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिर भी मैं समझता हूँ मुनासिब है। चलें नोट करें, आप में से कोई ऐसा बंदा ना जिसने पेपर में, पेपर में बैठा हो दिसंबर 22 के, एनीवन जो आप में से दिसंबर 22 के पेपर में बैठा हो, तो क्या हुआ था आपको पता है किसमें कितने परसेंट बच्चे पास में? मैं आपको दिखाऊं क्या, मैं आपको दिखाऊं? ये देखें, ये देखें सबसे खराब पेपर सवाल है ये इस पैटर्न का, ये देखें मैं अभी देखा ये कितने परसेंट बच्चों ने ये सही किया है, 24% ओवरऑल पासिंग परसेंटेज आया है। मुझे तो नहीं लगता यार इतना मुश्किल सवाल था, सॉरी के साथ, मतलब अगर मैं शायद गलत हूँ, मुझे लग रहा हो अलग आपको लग रहा होगा ऐसा, मगर मुझे तो नहीं लगा गया सवाल कहीं से मुश्किल यार। ए पार्ट में इतने सारे लोगों ने, अच्छा नहीं वो 29% सॉरी, 1 वाला तो ये करेंगे ना, 1 वाला तो नहीं, वो तो पीछे चला गया 29%, मगर 29% अगेन आई डोंट थिंक ये 29% वाला सवाल है यार, 50% पासिंग परसेंटेज होना चाहिए इसका। हाँ 3 देखना, सॉरी 1 तो वो तो 1 पे अलग गेम है, 1 पे डिस्कशन हो गया। 29% आई थिंक मतलब कि वो यूरो की जगह किसी और ने कुछ और कर लिया, यूएसडी की जगह लोगों ने यूरो कर लिया, प्रीमियम को ऐड कर लिया, प्रीमियम देखें इस बार आई कैप भी सही रास्ते पे आ गया, प्रीमियम ऐड कर लिया, ये आप लोगों से भी कुछ गलतियाँ होने दी। मनी मार्केट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ये तो यार मैं आई कैप से इख्तलाफ करूँगा, मैं इस पॉइंट से आई कैप से इख्तलाफ करूँगा, ये मुझे कहीं समझ नहीं आता। पर खैर ये जो जस्टिफिकेशन दे रहा है यार पेपर में पिक करना मुश्किल है, चलो इसकी जस्टिफिकेशन मान भी लेते हैं, मगर पेपर में जस्टिफिकेशन पिक करना मुश्किल है, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट विद नो हेज इज कंप्यूटेड, विदाउट हेजिंग भी कैलकुलेट करना था, देखो हमने कैलकुलेट किया था, गेन को ऐड कर दिया लोगों ने लेस करने के बजाय, तो ये ब्लेंडर तो हम नहीं करेंगे यार, ठीक है। चले खैर, ये तो मुनासिब बात नहीं है कहना कि ये अटैम आसान होती है, अटैम मुश्किल होती है, ये मुनासिब बात नहीं है। हर अटैम का अपना एक जैसे कहते हैं ना कि हर अटैम में बचने के चांसेस होते हैं, मैं तो इसमें हर अटैम में बचे पास हो रहे हैं माशाल्लाह। चलें जी नोट कर लिया, आगे बढ़ें, मेरे ख्याल से ये हो चुका है। बी पार्ट पे जल्दी से आ जाते हैं भाई, मुझे आगे भी पढ़ना है यार, आगे और भी सवाल है हमारे पास। क्या के एन एम से एक्सप्लेन हाउ द कंपनी कैन प्रोटेक्ट अगेन इंटरेस्ट रेट राइज ओटीसी फ्यूचर रेट, अच्छा मुझे बताएं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कैसे वर्क करता है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कैसे वर्क करता है? बी पार्ट पे बात करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन सॉरी ओटीसी ऑप्शंस कह रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है? प्लीज थोड़ा क्विकली जिन्होंने इंटरेस्ट रेट हेजिंग अभी तक नहीं पढ़ा ना, ठीक है वो इसको बाद में रेफर कर लेंगे, मगर जिन्होंने पढ़ लिया मैं उनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट, इसमें भी पहले हेज स्ट्रेटजी बनती है, जिस तरह इंटरेस्ट करेंसी ऑप्शन में बनती थी ना, इस तरह यहाँ भी स्ट्रेटजी बनती है, ठीक है। तो हेज स्ट्रेटजी बनेगी यहाँ पे, यहाँ पे हेज स्ट्रेटजी कॉल ऑप्शन नहीं होगा, पुट ऑप्शन होगा। ये जिन्होंने इंटरेस्ट रेट हेजिंग पढ़ लिया उनके लिए आसान है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनको प्रॉब्लम होगी, वो फिर इंटरेस्ट रेट हेजिंग पढ़ने के बाद इस सवाल को देख लेंगे, ठीक है जी। पुट ऑप्शन लाएंगे सेकंड नंबर पे, यहाँ पे फिर ये आएगा कि चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, ये तो आप हर बंदा बता सकता है, करेंसी वाला गेम है, जून कॉन्ट्रैक्ट पकड़ेंगे या सेप्टेम्बर कॉन्ट्रैक्ट पकड़ेंगे, इसमें भी तरीकेकार वही है ना, जून कॉन्ट्रैक्ट 1 जून को सारा काम हो रहा है,
तो जून कॉन्ट्रैक्ट पकड़े हैं या सितंबर कॉन्ट्रैक्ट पकड़े हैं, जल्दी से बता दें प्लीज़। ये तो सब बता सकते हैं यार, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा इंटरेस्ट रहेंगे वो भी बता सकते हैं। सही कह रहे हैं हमारा फन, सही कह रहे हैं अतिया, सही कह रहे हैं हमाद, बताएं कंदेश, बाकी लोग बताएं, रायबा रहमान सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जून इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेट, सेप्टेम्बर बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है सेप्टेम्बर बहुत लेट हो जाएगा, सही है सही है। अब यहाँ पे इसके आगे का अगर डेटा नहीं है भाई, इसके आगे का अगर डेटा नहीं है, क्योंकि इसके आगे जो है ना, वैसे तो इसके आगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर इसके आगे जो है ना वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, वो इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है। मुस्तफ़ा साहब सही कह रहे हैं, असद सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वो सारा डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है जो मैं समझता हूँ कि आपके पास जो है हैजिंग करने के लिए होता है। तो आपने सिंपली, अच्छा इसमें प्रीमियम कौन सा यूज़ होगा, प्रीमियम फिर आपका ये यूज़ होगा, पुट वाला प्रीमियम यूज़ होगा। तो ये आपका सेप्टेम्बर कट चुका है, सेप्टेम्बर रेलिवेंट नहीं है और ये कॉल भी रेलिवेंट नहीं है, तो ये 0.35 प्रीमियम होगा। प्रीमियम जो पेमेंट होगी इसमें एक्सप्लेन करना है वैसे भी, तो 0.35, अच्छा ये 0.35% होता है पर एनम, मगर आपको ये बात पता है कि आपने तो 5 महीने का काम करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लेके चल रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन भी इतना मुश्किल नहीं था इसका। तो भैया क्या बात हो रही थी, प्रीमियम पेमेंट 0.35% पर एनम, प्रीमियम कितना हो गया रुपी, अरे ये काम रुपीज में होगा, 200 मिलियन इंटू 0.35%, देखें क्या आ रहा है, चेक करें, सिक्स मंथ्स के लिए, सॉरी 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 सॉरी, ये 5 मंथ्स नहीं होगा, ये 6 मंथ्स के लिए होगा, क्योंकि इसने बोला है ना 6 मंथ्स के लिए होगा, ठीक है, ये ना गलती कर दें आप, 6 मंथ्स के लिए होगा, ठीक है। कितना आ रहा है, 6 मंथ्स लेना है भाई, 3.5 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है ठीक है। अच्छा ऑप्शन वर्क कैसे करता है, ऑप्शन में आपको पता है ना हमारे पास वो है क्या क्या, दो केसेस होंगे ऑप्शन की, फायदा क्या है वही करेंसी ऑप्शन कितना है, 2 केसेस। मुझे बताएं ऐसे ही जिन्होंने करेंसी ऑप्शन पढ़ा है वो भी ये बात कर सकते हैं, अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट राइज फ्रॉम 7% ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, जवाब दें। ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं, फेवरेबल केसेस में या अनफेवरेबल केसेस में, आसान कर लेते हैं बात। फेवरेबल में करते हैं, नहीं 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 जब आपके फेवर में होता है, हाँ सही है बिल्कुल सही है, जब आपके फेवर में होता है तो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा एक्चुअल इंटरेस्ट रेट फॉल फ्रॉम 7%, तो आपको ऑप्शन कहाँ एक्सरसाइज करना चाहिए, पहले केस में करना चाहिए या दूसरे केस में करना चाहिए, जवाब दें, पहले केस में ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए या दूसरे केस में करना चाहिए, प्लीज जवाब दें। इंटरेस्ट रेट फॉल करेंगे, अच्छा आप बोरोअर हैं ये ध्यान में रहे, हमें बोरो करना है ये ध्यान में रहे, बोरोअर को रिस्क कहाँ होता है, नहीं उल्टा कह रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं साहिबा मुस्तफ़ा, उल्टा कह रहे हैं, बोरोअर को रिस्क कहाँ होता है, इंटरेस्ट रेट हेजिंग पढ़ लेंगे जो लोग तो उन और क्लियर हो जाएगा, मगर मैं तो अभी ऐसे करा रहा हूँ कि बिल्कुल ही बेसिक। हाँ सही कह रहे हैं जुबैर खान, सही कह रहे हैं हमारा खान, सही है साहिबा आपने सही कर दिया। देखें आपको रिस्क कहाँ पे है, मेरे ख्याल से रिस्क यहाँ पे आप, तो फिर ऑप्शन से याद है ऑप्शन से गेन लेते थे और उसको कवर करते थे, ये करेंसी में भी ऐसी बात हुई हुई है, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन जब आप रिवाइज करोगे तो और क्लियर हो जाएगी, मेरी बात समझ आ रही है मुस्तफ़ा साहब, क्लियर हो गई आपको बात, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर आपकी परेशानी होती है, तो फिर आप ऑप्शन के थ्रू गेन अर्न कर लोगे, और अगर वैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो गया मार्केट में, आप बोरोअर हो, अगर वैसे ही ऑटोमेटिकली मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो आप ऑप्शन को जाने दोगे, ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज, ये बात समझ आ रही है, 4 मार्क्स इजी मार्क्स थे, क्लियर है भाई, बाकी लोगों को भी बात समझ आ रही है। ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता था याद है, वेदर बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज ऑप्शन चेक करते थे करेंसी में भी, जब इंडायरेक्ट हेजिंग पढ़ाया था दो केस में चेक करते थे भाई ऑप्शन जाए, हमें लगता था हमारा फायदा है मफाद है वहां ऑप्शन एक्सरसाइज होता था, तो यहाँ पे हमारा मफाद, यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली फायदा हो चुका ना, मार्केट में ही रेट गिर गया, जब मार्केट में ही रेट गिर गया तो फिर हम याद है करेंसी में भी हम अगर रेट गिर जाता था
डॉलर रेट गिर जाता था, हम करेंसी ऑप्शन को जाने देते थे, लैप्स होने देते थे, ठीक है ना। तो प्लीज को नोट कर लें, 4 मार्क का ये पार्ट हो। चले यार लास्ट पॉइंट पे आते हैं जल्दी से, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट वाले पे क्या करें, द बोर्ड हैज ऑल्सो आस्क्ड फॉर योर एडवाइस ऑन वेदर MTL शुड पे अ डिविडेंड इन मार्च 2023 इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडिंग 31st December 2022। पूछ रहे डिविडेंड डे या ना दे, बड़ी प्यारी थ्योरी है, ये सारी हमारी किताब में अलहमदुल्ला मौजूद थी। दिस मैटर वाज डिस्कस्ड एट अ रीसेंट बोर्ड मीटिंग एंड द बोर्ड वाज डिवाइडेड रिगार्डिंग द एक्शन टू टेक। यूसुफ अहमद द CFO आर्ग्यूड दैट MTL पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन टू पे आउट 30% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर एज डिविडेंड after tax profit as dividend and it was important to maintain this policy. Ali Saad the CEO was concerned that paying a dividend would lead to a larger overdraft and this would be avoided. Ek party keh rahi hai dividend de, ek party keh rahi hai dividend na de. CFO keh raha hai dividend de de aur jo CEO keh rahe hai wo dividend na de. 4 mark ka sawal hai, advise the board on the practical matter that should be considered when deciding when a dividend should be paid. Recommend with reason whether dividend should be paid or not. Acha again dividend theory ke naam se ek topic hota hai hamare paas. ये चैप्टर नंबर 5 है हमारी बुक का, आई थिंक अभी बहुत सारे लोगों ने कवर नहीं किया। इसमें एक चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट होता है, ये देखें डिविडेंड थ्योरी इसका, ठीक है ना। ट्रेडिशनल व्यू सिग्नलिंग इफेक्ट एक होता है, बर्ड इन द हैंड होता है, क्लाइंटल इफेक्ट होता है। तो ये सारी बातें अगेन जो मैं आपसे कहता हूँ ना, मेजोरिटी थ्योरी अलहमदिल्ला अल्लाह का शुक्र है कि हमारी किताबें मौजूद होती है, मेजोरिटी थ्योरी अलहमदिल्ला हमारी किताबें मौजूद होती है। तो आपको ये सारी बातें आपको हमारी किताबें मिल जाएंगी। ये पूरा आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज एज आई कैप के सोल्यूशन में भी लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ डिविडेंड क्या होता है, सही है ना। और ये पे आउट रेशियो की बात हो रही है, सिग्नलिंग इफेक्ट बड़ा बेहतरीन होता है। मैं ओरली बता देता हूँ आपको, सिग्नलिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर डिविडेंड नहीं दोगे तो लोगों को सिग्नल मिलेगा कि भाई कंपनी में कोई गड़बड़ चली है, कंपनी की हालत अच्छे नहीं है, कंपनी डूब रही है, कंपनी जो है वो नुकसान में जा रही है, कंपनी ने शायद जो है ना वो फेक रिजल्ट दिखाए हुए हैं, जब भी वो डिविडेंड नहीं दे पा रही है। ये एक डिविडेंड देना ना, एक PSO की अच्छी हिस्ट्री क्यों है, मैं भी अगले सवाल पे जा रहा हूँ, बस जल्दी से इसको ओरली डिस्कस कर रहा हूँ। PSO की अच्छी हिस्ट्री इसलिए क्योंकि PSO अच्छी कंपनी इसलिए मानी जाती है क्योंकि डिविडेंड देती है। तो अगर आप डिविडेंड दोगे तो सिग्नल जाएगा अच्छी कंपनी है, अगर डिविडेंड नहीं दोगे तो कहेंगे दाल में कुछ काला है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना दाल में कुछ काला है। इसी इतना कुछ बंदे लोग होते हैं, वो बेचारे डिविडेंड पे उनकी रोजी रोटी होती है, वो बेचारे जो है डिविडेंड की डिविडेंड से अपना घर चला रहे होते हैं, जो पेंशनर्स होते हैं, जो क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड के लोग होते हैं, ठीक है, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे होती हैं जो डिपेंडेंट होती है, तो उनको प्रॉब्लम होगी। फिर क्लाइंटल इफेक्ट भी होता है, सही है। तो ये सारी की सारी बातें, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने आई डिविडेंड पॉलिसी के लिए होते हैं, अगर आप उनको खुश नहीं करोगे छोड़ के चले जाएंगे। फिर आपको पता है डिविडेंड पे डिविडेंड पे टैक्स रेट अलग है, कैपिटल गेन पे टैक्स रेट अलग है, दुनिया में डिविडेंड पे टैक्स रेट अलग है, कैपिटल गेन पे टैक्स रेट अलग है, ठीक है ना। तो वो भी लोग देख रहे होते हैं। तो ये सारी कहानी जो है ना, क्या कहते हैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। होम मेड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है, ये वो है जो अगेंस्ट में वो कहते हैं डिविडेंड देने की जरूरत नहीं, किसी को डिविडेंड चाहिए वो शेयर बेच के पैसे ले ले भाई, किसी को पैसों की बहुत ही जरूरत है भाई, तो हम कैपिटल गेन पे फोकस करें, हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, बुरी बात नहीं है ना यार। अगर एक कंपनी अच्छा कैपिटल गेन दे रही है, यानी कि उसकी शेयर प्राइस बढ़े जा रही है, तो आप अपने थोड़े बहुत शेयर बेच के थोड़ा बहुत कैपिटल गेन रियलाइज करके अपने घर के पैसे निकाल सकते हो ना यार। ये कॉन्सेप्ट होता है होम मेड डिविडेंड का। तो ये अगेन फॉर और अगेंस्ट बात करनी थी, मेरे ख्याल से बहुत ही मुनासिब सवाल था। जब आप डिविडेंड थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको इतना परेशानी नहीं होगी, 4 मार्क मैं तो ईजी थे। तो 22 मार्क का सवाल था मेरे हिसाब से यार, इसमें जो पासिंग परसेंटेज आई के अपने दिया हुआ है वो मुझे थोड़ा सा अलार्मिंग हुआ है, 29% नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये पासिंग परसेंटेज जो है ये कुछ ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है ना, ज़्यादा होना चाहिए था। खैर 29% आई थिंक इट्स टू लो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई थिंक इट शुड बी नो 40% और 45% और मे बी नॉट 50%, तो 40% तो कम अज़ कम यार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई, हमने सवाल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया जाए गया है और अब हम जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक बात हमें। चलें अगले सवाल पे।